अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अमार समीउल्लाह कलास साहब, मैं इन टाइम अपने सीईओ ऑफिस दे विच मौजूद हाँ सी। मेरे नाल सूबाई जनरल सैकटरी एपका राणा मुहम्मद अफजल। राणा मुहम्मद अफजल नाल अज असा गल करे सो, राणा साहब क्या हाल है सी? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अमार साहब। अच्छा राणा साहब, ये जी महंगाई है मुलाजमीन इन बारे एपका क्या करें दी पी एस आर जी? एपका इन बारे जरा है इंशाला हाजी मुहम्मद रिशाद चौधरी की क्यादत महंगाई के तनासब न तनखाई के इजाफे वास्ते अपने लहमल का ऐलान अन करीब करें पी है। और कल जे सवेरे लाहौर के सी सी की मीटिंग है भी साढ़े पंजाब लैवल की, उन्हें फैसले किए हुए सन कि गौरमेंट को मजबूर किया वजे कि महंगाई के तनासब न तनखाई के इजाफा किया वजे और ग्रुप इंश्योरेंस जी रिटायरमेंट के उत्ते है बाकी सूबे देने पैन बलोचिस्तान और के पी के पंजाब के हाले तक इन अमल दरामद नहीं थी जो कि मुलाजमीन का हक है पिया, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस जी है वह मुलाजमीन का हक है और उन्होंने रिटायरमेंट मिलना चाहिए। और इस सिलसिले के भी असं अपने लहमल का ऐलान करेंगे पे इंशाअल्लाह ताला। पहले भी बहुत जुदोजहद की से हुकूमत ने हर मरतबा सा वादा करके वादा खिलाफी की है और ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिता गया। इस तरह जी के मौजूदा हालात हैं पे महंगाई दिन ब दिन बढ़ती रहती है, महंगाई च कंट्रोल नहीं थींदा पिया। इस तरह मैं मौजूदा हुकूमत ने जड़ा कल पेट्रोल और डीजल की कीमत जड़ी कमी की थी है उनका जो फायदा है पिया, उनका समर है जड़ा, उनका रिलीफ है जड़ा, वो भी आवाम को मिलना चाहिए। उन्होंने बसा ने ट्रांसपोर्टर्स ने उन्होंने किराए कम नहीं किए, जड़ा कि एक अलमिया है पिया कि हुकूमत एक पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत जड़ा कमी करें पी है तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने किराया के भी कमी करनी चाहिए है, जड़ा कि जरा आवाम को और मुलाजमीन को उनका रिलीफ नहीं मिलता पे। ये भी सारा मुतालबा है गौरमेंट को कि अगर तुसा पेट्रोल इजाफा करें दे हो तो ऊँ दिहाड़े ऊँ वेले ही ट्रांसपोर्टर जड़े हैं अपने किराए इजाफा कर दें। अगर तुसा गौरमेंट कमी करें दी है पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत तो ट्रांसपोर्टर को चाहिए है कि उस दिन वो भी अपने किराए के कमी करें। इंदे उत्ते भी असा जड़ा जिली इंतजामिया और हुकूमत पंजाब को मुतालबा करें दे हैं कि फौरी एक्शन किया वजे और ट्रांसपोर्टर हजरात को पाबंद किया वजे कि वह अपने किराया के भी कमी करें ताकि जरा महंगाई का बोझ है पिया आवाम के उत्ते और मुलाजमीन के वह भी कुछ कम थे। इस तरह साढ़े टी ए डी ए के जड़े अलाउंसेस ये रेट्स हैं पे वो इतना पेट्रोल की महंगाई महंगा था है, डीजल महंगा था है, जबकि साढ़े जड़े रेट्स हैं पे डी ए टी ए डी ए के जो रेट्स हैं पे वो सबका ही आते पे, उन्हें कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुलाजमीन को बहुत बड़ा खसारा है पिया। वो अपना किराया भर के ज्यादा रेट्स के नाल बहन और उन्होंने टीए डीए जो मिलते वो उन्होंने किराए तो भी कम मिलता है जिसकी वजह तो नुकसान थे। ये भी सारा मुतालबा है पिया कि गौरमेंट टीए डीए के जो रेट्स हैं उन्होंने भी रिवाइज करे और महंगाई के तनासब नाल तनखाई के कम अज कम भी 200% इजाफा करे तमाम अंज के मुलाजमीन की तनखाई के कुछ मुलाजमीन को रिलीफ मिल सी और मुलाजमीन का जरा सफेद बोझ का जरा भरम है पिया वो कैम रहा है। यो सारे मुतालबात हैं पे जी। जी हाँ मेहरबानी सी राणा साहब, सब बेहतरीन मुतालबात और महंगाई दे जड़ा अजकल ये जड़ा ये तूफान चलिया हुआ है, महंगाई का तूफान ही आज महंगाई का तूफान है, बिल्कुल तूफान है। जी जेड़ी चीज भी असा पूछण गए से वो महंगी थी गई, अगर आज असा 100 रुपए की पूछिए तो कल 120 थी, उनका कोई भी एक कहानी सही। बहरहाल सही हुकूमत को सारे बारे सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सही, गवर्नमेंट लाजमी सारे तनखाई बधावे सही, जे 100% तो लाजमी बधा 100% लाजमी जी 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 इजाफा पार्लियामेंट के मेंबरान पे उन्होंने तनखाई इजाफा थी पे बार बार पे बगैर बजट पे अप्रूवल दे जड़े वेले मुलाजमीन की तनखाई की गाल आती है उ वे आखिर कि बजट को नहीं, बाकी जड़े MPAs MNAs और पार्लियामेंटेरियंस इन पे उन्होंने तनखाई बधाव का मसला आए तो कोई बजट की जरूरत को नहीं, कोई शक को नहीं, फौरी तौर पर इजाफा थी वे करारदार के उत्ते तो साढ़े मुलाजमीन की तनखाई जड़ी हैं पे उन इजाफा महंगाई के तनासुब नाल ही होना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती पई है तो मुलाजमीन की तनखाई का भी इजाफा होना चाहिए। मेहरबानी सी राणा साहब, ये सारे नाल जिले सदर भीन एपका डिस्ट्रिक्ट लिया
सूबे दे जनरल सेक्रेटरी भी मेहरबानी राणा साहब अपने बालों का ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।